है? डे टू तो हो चुका है वैसे टेक्निकली. हम लोग उल्लू बना रहे हैं आपको. एंड ऑफ द डे टू. हमने स्टार्टिंग शूट नहीं करी थी, बस टाइम ही नहीं मिल पाया. प्लीज डोंट माइंड माय मैनर्स. मैं च्युइंगम नहीं चबा रहा हूँ, मैं विटामिन सी की गोली चूस रहा हूँ. सो टुडे इट्स 31st ऑफ अक्टूबर. सो हाउ डिड वी स्टार्ट आवर डे? हमारे दिन की शुरुआत कैसे हुई? सुबह 4:30 बजे वी स्टार्टेड एट 4:30. आई एम लाइक वी वोक अप एट 4:30 एंड आवर जर्नी स्टार्टेड एट 5:30 बिकॉज आज हम लोगों को सीता बनी जाना था, विच इज डेंस फॉरेस्ट इन दिस कॉर्पेट. यहाँ से करीब 18-20 किलोमीटर था पहुंचने में. एरिया भी बहुत बड़ा है, उसका एरिया भी बहुत बड़ा है. लाइक इस सफारी का जैसे सुबह पार्क खुलता है वो 6:30 बजे और उसका टाइम है 10 बजे तक का, तो 3.5 घंटे में यू हैव टू कवर ऑल दैट एरिया एंड इट्स ब्यूटिफुल. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. दो हम लोगों को कोई वाइल्ड लाइफ बट येस फ्रेश बगमार्क्स थे, स्पॉटेड डियर्स थे. कोसी रिवर यहाँ पे बहती है तो उसका डैम था जहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड्स आती है. माइग्रेटेड डक्स थे वो, पिंक कलर वाले, ब्राउन कलर थे. ब्राउन और पिंक था ना. हाँ. और काले से वो पेलिकन वाले बड़े बड़े वाले बर्ड थे, वो थे बड़े मुंह. इट वाज वेरी एडवेंचरस. इट वाज किंग कोबरा. अनफॉर्चुनेटली कोई गाड़ी उसके ऊपर से ताजी निकली थी, ताजा टाइट. उसके पेट में चूहा था. I could see पेट फट गया था, चूहा बाहर. काफी ग्रॉस लग रहा होगा सुनने में बट मैं रियली बताऊँ, इस चीज जब आप अपनी आंखों से देखते हो थोड़ा बुरा लगता है कि हम लोग ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी वाई वी आर रेस किस बात की है. मतलब आप आराम से चलो क्योंकि जगह जगह ना वहाँ पे मीटर का वो लगा हुआ है, स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ है कि स्पीड लिमिट ये है. जगह जगह कॉशंस बने हुए हैं कि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, इसमें यहाँ पे आराम से चलाएं, हॉर्न ना बजाएं, हल्ला ना करें, प्लास्टिक ना फेंकें. बट स्टिल पीपल आर देयर जो कुछ तो हरकतें कर देते हैं. एनीवेज तब तक आप जो हम बता रहे हैं सीतामढ़ी, आप सीतामढ़ी देखिए और वापस आइए, हम आगे की बातें करते हैं. श्योर आप लोगों ने देख ही लिया, ये था सीतामढ़ी. अब सेम डे इट्स बनी बनी. वैसे बोर्ड तो कहीं लिखा ही नहीं था सीता बनी सीता मनी. विल क्रॉस चेक एंड डेफिनेटली विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन द ठीक. तो दोपहर हम लोग लौट, दोपहर नहीं मतलब 10-11 बजे के करीब हम लोग आ गए थे. दस बजे के पहले क्या कहता है, दिन वी हैड अप ब्रेकफेस्ट, वी वर टायर्ड, हैवंट स्लेप्ट फॉर 2 डेज. मतलब ठीक से जल्दी उठना लगा था. सो वी टुक अ शॉर्ट नैप. उसमें स्पैम वालों ने मेरा फोन खूब बजाया. आई कुड नॉट सी इवन अ लिटिल बिट. फिर दूसरी सफारी थी जैसे आपको बताया था कल के ब्लॉग के एंड में, आप लोगों को बोला था कि आज दूसरी सफारी थी. जो हम कल नहीं कर पाए थे वो आज भगवान की कृपा से. नहीं, लेट देम सी ना. ओके आपको देखो. Thank you.
छोटे बच्चे देखे देखे हमारी तरफ देख रहे हैं। तो भगवान की कृपा से आज वो मिल गया, आपने देख लिया। नहीं, हमारे लिए वैसे 2-on-2 100% का स्ट्राइक रेट चल रहा है हम लोग का, फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से। फर्स्ट डे कुछ नहीं दिखता, सेकंड सफारी में हमें जरूर दर्शन होते हैं। लेकिन सेकंड सफारी में हम हमेशा अपने गाइड को और अपने ड्राइवर को अपनी गाथा सुनाते हैं कि हाउ अटैच्ड वी आर। एंड हम देखिए, अगर तो आपके गाइड को लग गया कि आप लोग वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं, आप लोगों को लगता है तो दिखेगा, तो दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नैनीताल में नहीं दिखता। हम तो सरिस्का में भी देख के आए थे, नैनीताल में बार बार बोल देते हैं, जिम कॉर्बेट में। इट जस्ट दैट यू नीड पेशेंस, एटलीस्ट पेशेंस। और हम तो अंदर गेस्ट हाउस में भी नहीं रुकेगा, हम तो सफारी नहीं गए। इनफैक्ट आज भी जो सफारी थी ना, हम लोग अंदर तक नहीं गए थे। वो एक वन वे है जहाँ पे उसकी मूवमेंट कल स्पॉट की गई थी, जहाँ ये तुमने बताया था ना वो वाले वीडियो में, जो विस्परिंग वाला वीडियो। हाँ, आप उसमें अगर आप देखोगे ना तो दैट इज वन वे, वहीं पे स्पॉट हुआ था। और उसकी कहानी पूरी डिटेल में समझाते हैं हुआ क्या। हम यहाँ से गए, वो ही एक स्पॉट है, एक खुला सा ग्रासलैंड है, जिनमें से आप में से किसी ने अगर वॉकिंग डेड देखा होगा ना, वैसा एक ग्राउंड है, खुला सा, येलो येलो सा, मतलब क्या है वो ब्रश, लंबी लंबी एलिफेंट ग्रास जिसे कहते हैं ना, 10-10 फुट की जगह। वहाँ वो अभी सूख रही है तो येलो इश है, so, बहुत बड़ा सा एरिया है। देन उसके बगल में पानी है, विच इज काइंड ऑफ ओपन एरिया, और फिर उसके अगल बगल जंगल है। तो हम लोग गाइड बोले कि क्या करना है आप लोगों को, साइट करना है फॉरेस्ट देखा, हमने कहा साइट करना है, कहा ठीक है, फिर पेशेंस चाहिए, हमने कहा पेशेंस हमें बहुत है, करवाओ भाई। हम लोग 2 बजे से, मतलब 2 बजे हम लोगों ने पहले हमने गाइड ने हम लोग को दिखाया 3 रास्ते जहाँ से वो क्रॉस करते हैं, अक्सर करते हैं उनके ट्रैक्स, उनके ट्रैक्स की वो एरिया भी इंटरेस्टिंग था देखने में, कैसे बना हुआ आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, बीच में वो लोग अपना पाथ बना लेते हैं, वहीं पे उनकी रेगुलर मूवमेंट होती है, यू कैन सी देयर पगमार्क्स ओवर देयर, आने जाने दोनों का, दोनों। तो गाइड ने कहा अगर आप लोग को देखना है देन यू हैव टू वेट हियर, आप लोग को यहाँ वेट करना पड़ेगा। अब वो तीन इलाके में बेसिकली हम लोग ने नजर रखी, जगह बार बार चेंज करते थे उसी रास्ते में, और कान खुले रखते थे कहीं से अलार्म रिंग कॉल आ जाए। 3 बार अलार्म हुआ था, अलार्म हुआ इसलिए हम लोग मूव करते थे, एक बार सांबर का हुआ, एक बार स्पॉटेड डियर का हुआ, तीसरी बार मंकी का हुआ। स्पॉटेड डियर का ये लोग मानते नहीं है, लंगूर का और सांबर का,
अगर इसकी अलार्म कॉल आती है दैट्स फॉर श्योर के आसपास कहीं टाइगर का ही मूवमेंट है. बाकी सब तो ऐसे भी चिल्लाते रहते हैं पीकॉक स्पेशली. वेंट टू थ्री ऑफ दीज साइड जहाँ जहाँ अलार्म आता तो उधर जाते थे. इन द मीनवाइल जो तीसरे स्पॉट पे जहाँ आपने देखा उसको आते हुए शी वॉज अ फीमेल टिग्रेस एक्चुअली वो एक यस इट्स कॉल्ड टिग्रेस. The mating season is going on, so a male tiger and a female tigress is obviously female. So tiger and tigress are roaming around in the area, एक दूसरे को सर्च करते हैं तो इसी चक्कर में वो बार बार क्रॉस कर रहे हैं. जंपिंग हॉप एंड हॉप करते रहते हैं. तो जैसे आपको पिछले ब्लॉग में बताया था एक टपाक से चला गया था और ये आराम से क्रॉस करते हुए गई थी. यही सीन आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग. वी वर रेडी कैमरा रेडी. तो हम लोग वही तीनों स्पॉट्स पे थे. तीसरे वाले स्पॉट पे हम लोग खड़े ही थे कि अंदर से जंगल में आवाजें आना शुरू हुई. पहले में लगा लंगूर है बट पेड़ टूटने की आवाज आ रही थी टक टक. तो हम समझ गए हाथी का मूवमेंट हो रहा है कहीं वहां एक हाथी का एक झुंड आ चुका है. सो हम लोग ने अपनी लोकेशन लिया. एक्चुअली हम लोग के बगल में ही वो हाथी तोड़ फोड़ करता हुआ कुछ तो गाइड ने हटाया. गाइड ने हटाया कि रास्ता है यहाँ हम लोग रास्ते में खड़े हैं. तो हम लोग की जीप सी उसने पीछे करवा ली हटवा ली. द मोमेंट वी वर देयर कुछ निवासी लोग आए हमेशा की तरह शोरगुल करते हैं. उन्होंने उसी ट्रैक पे जहां से हम हटे थे वहां पे जाके गाड़ी लगा ली. Just और वो जो हाथियों का झुंड था वो आया और उसकी सूंड हम लोग को दिख रही थी. सड़क तक आती थी बस सूंड आती थी उसकी और पेड़ पत्ता तोड़ रहा था. फिर हम लोग को एक गड़गड़ 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 ऐसी आवाज आई. जैसे वो आवाज आई वो हाथी जो एकदम अंदर थे वो वापस अंदर चले गए और फिर से बहुत देर तक शांति हो गई. और हम लोग कह रहे थे कि ये लोगों की वजह से हाथी ने क्रॉस ही नहीं किया. हाथी क्रॉस ही नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां जिप्सी थी. फिर हम लोग ने सोचा वो पीछे की तरफ से करेगा हम लोग वहां जाके खड़े हो गए. हाथी वहां आ ही नहीं रहे थे. हमारा गाइड भी एकदम मतलब परेशान कि भाई साहब ये तो पहली बार हो रहा है कि हाथी भी क्रॉस नहीं कर रहे. पता नहीं क्या बात है मतलब किस्मत. हम लोग किस्मत को सोच रहे थे कि उधर से लोगों ने ब्लॉक कर दिया और हाथी इधर क्यों नहीं आ रहे इधर आ ही नहीं रहे. फिर खटर पटर करके हम लोग को पेड़ टूटने की आवाजें आती थी. बड़े बड़े पेड़ टूटने की आवाज आती थी तो हाथी थे तो पर वो आए नहीं. और इतनी देर में हम लोग बस बैठे ही थे एक दूसरे को देख रहे थे. ये ग्रासलैंड की तरफ देख रही थी कि हाथी आए. हाथी ढूंढ रही थी. मैं सामने सोच रहा था कि आज शाम हो रही है आज भी लगता है वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होगा. द मोमेंट वी सेड वो अचानक से बाहर आई लुक्ड एट अस ऐसे करके मुंह खुला था और सड़क क्रॉस करी. फिर तो भैया गाड़ियां रिवर्स हो रही है पागलों की तरह चल रही है. खटर पटर आगे पीछे ऊपर नीचे सब करने लग गए. हम लोग ने अच्छे स्पॉट पे थे बिल्कुल सामने ही थे तो हमारे सामने आए. बस हमारे आगे एक गाड़ी थी वो मतलब हमारे पीछे से आई थी. हम पहले वैसे सबसे आगे थे अब वो ज्यादा आगे. हमारे गाइड नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि वो रास्ता है तो वो स्पेस देना चाह रहे थे. तो आप लोग ने वीडियो में देखा होगा वो हम लोग की तरफ आती है. एक्चुअली वो रास्ता वही था बट वहां एक जिप्सी खड़ी रहे वो लोग शोर भी मचा रहे थे तो वापस आई. फिर वापस टर्न होके अंदर चली गई. फिर हमने फिर से थोड़ी देर फॉलो किया. वो पानी पीने जा रही थी उसी रास्ते. वहां एक पॉइंट था हम लोग को दिख रहा था वहां से. सो वहां पे एक पॉइंट था जिसमें वो पानी पीने गई. फिर हम लोग की जिप्सी आगे चली. जैसे ही आगे चली थोड़ी दूर खड़ी हुई क्योंकि हम ढूंढ रहे थे कि मेल टाइगर. जब टिग्रेस है तो टाइगर भी यहीं कहीं होगा वो भी क्रॉस करेगा. हम वो देख रहे थे. फिर से पेड़ टूटने की आवाजें तेज होती गई और वापस जो स्पॉट था जहां से उन्हें आना था जहां पहले एक जिप्सी खड़ी थी अब कोई नहीं था सब जा चुके थे. केवल हम थे. हम लोग वहीं खड़े हुए थे. नहीं हम लोग उसके स्पॉट पे नहीं थे. हम लोग आगे थे लेकिन उस डायरेक्शन केवल हमारी जिप्सी थी. बाकी सबकी सब वहीं खड़ी थी जहां से उन लोगों ने टिग्रेस को स्पॉट. फिर से वही खटर पटर हुआ और वो बाहर प्रकट हुआ. एक हथनी आई और उसके दो छोटे बच्चे आए और उन्होंने क्रॉस नहीं किया वो सड़क पे ही आए. फिर अंदर से फिर से वही आवाज गड़गड़ 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 करके आई और वो बच्चे तो पहले अंदर भागे. द रैन अवे टिक 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 टिक. वो थोड़ी देर खड़ी रही फिर वापस वो अंदर चली गई. आपने सुना भी होगा वीडियो में एक
बहुत जोर से हाथी के ट्रायंफ के वो आवाज नहीं आती, चिल्लाता है हाथी। हमने एक्चुअली तो वो भी अंदर चली गई। ये वाला जो वीडियो हमने काफी नेचुरल रखने की कोशिश की, वी डिड नॉट पुट एनी एडिशनल म्यूजिक और एनीथिंग लाइक दैट। शेर टिग्रेस वाले में हटा दिया है क्योंकि लोग बहुत कचर 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 कर रहे हैं, वो देखो तो इसलिए वो हटा दिया। तो वो छिगाड़ती है एक्चुअली हाथियों में क्या होता है, दैट इज अ मैट्रियार्ची जिसमें फीमेल हेड होता है फैमिली का, वो सारी फीमेल्स होती हैं। तो अंदर जो भी थी, जो घड़ 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 करके जो साउंड हो रहा था, वो दैट वाज एक्चुअली मैट्रियार्च। वो अभी नहीं चाह रही थी कि लोग क्रॉस करें, इट इज ओनली बिकॉज क्योंकि लोग बहुत ढेर सारे खड़े थे। फिर वो अंदर जाते हैं, फिर थोड़ी दूर में थोड़ी शांति हो गई थी उसी बीच, तो फिर वो वापस निकलती है एंड देन उनका पूरा मैट्रियार्च क्रॉस करता है। आपने देखो I was scared. वो खड़ी होके हम लोग की तरफ जब इनको देखती है, एक्चुअली हाथी सबसे ज्यादा डेंजरस, सारे गाइड कर रहे थे कि यही इन्हीं से खतरा है, और हम लोग महसूस भी कर रहे थे कि सारे गाइड एंगल बना रहे थे कि जिप्सी किस तरफ भगानी है। Exactly. और हम ही लोग थे उस डायरेक्शन में अकेले, एंड जब वो जो बड़ी वाली थी जब हम लोग की तरफ मुड़ रही थी, आई वॉज स्केर्ड, एंड हमारे गाइड भैया भी कह रहे थे कि तुम तैयार है ना अगर ये इधर की तरफ चार्ज होती है तो। बस उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, दूर खड़े रहो, रास्ते में मत पड़ो। इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी गुड एडवेंचरस। इट वॉज दैट वॉज द क्लोजिंग ऑफ द जंगल बुक फीचरिंग जिम कॉर्बेट एडिशन। And fortunately we were again lucky twice in a row. Sariska ka unfortunately, मतलब एक वीडियो है, कभी शेयर करूंगा आप लोगों से, उसका भी वीडियो है जो हमने देखा था, बट उसका पूरा टूर का वीडियो नहीं है क्योंकि तब तक हम लोग ने चैनल नहीं खोला था। बट वी हैव अ वीडियो ऑफ ST9 Tigris ऑफ Sariska। Hey, that's 2 and 2 and both are Tigris, right? Yes. तो फीमेल टाइगर जी दिखे, मतलब मेल हमें दिखा है बट उसका हम फोटो नहीं ले पाए, वीडियो नहीं ले पाए, बट साइज में बहुत बड़ा होता है, इससे भी बहुत बड़ा होता है। सो इट इज ऑल मिथ कि जिम कॉर्बेट में नहीं दिखता है। निराश मत होइए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा गाइड पकड़िए, और ना प्लीज हाँ पेशेंस, और थोड़ा ना नेचर के प्रति अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे। वी वर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द टाइगर और द लेपर्ड, वी वर इंटरेस्टेड इवन विद रेयर स्पीशीज स्पेशली। सो एक इंडियन हॉर्न, ग्रेट इंडियन हॉर्न, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट बर्ड ऑफ जिम कॉर्बेट, एंड इट वॉज ह्यूज। हो सका तो फोटोज भी मैं डालूंगा वीडियो के एंड में, पोस्ट क्रेडिट में आपको दिखेंगे फोटोग्राफ्स। आखिरी तक देखिएगा, फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू हैव एन अमेजिंग अमेजिंग डे। गुड बाय। टेक केयर।